हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और ये इस टॉपिक का पार्ट वन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इज क्लोजली रिलेटेड टू द सिस्टम्स एनालिसिस। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सिस्टम्स अप्रोच यह सिस्टम एनालिसिस से क्लोजली रिलेटेड है। वैसे तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सिस्टम अप्रोच से काफ़ी पहले आ गई थी, बट रिसर्चर्स का मानना है कि ये थियोरी सिस्टम्स अप्रोच पर ही आधारित है। इट एनालाइजेस सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। ये सिस्टम का कैसे एनालिसिस करती है? इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं और फंक्शंस। तो ये एनालाइज करती है कि एक सिस्टम में कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन सिस्टम्स में प्रक्रियाएं कैसी होती हैं। इट्स एवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डेज ऑफ एरिस्टोटल हु क्लासिफाइड द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो एवोल्यूशन है वो ट्रेस किया जा सकता है एरिस्टोटल के डेज से, जिन्होंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया था। बट इट इज मॉन्टेस्की who gave it a proper shape during the 18th century by giving theory of separation of powers and analyzing the structure of government as comprising of legislature, executive and judiciary. तो मॉन्टेस्की ने इस अप्रोच को एक प्रॉपर शेप दी थी 18th सेंचुरी के दौरान अपनी सेपरेशन ऑफ पावर्स की थियोरी देकर, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया था और ये बताया था कि स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द ओल्ड फंक्शनल अप्रोच डिड नॉट डिस्कस द न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस लाइक द एडल्ट फ्रेंचाइज, इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा। तो जो ओल्ड फंक्शनल अप्रोच है, इसने नए इंस्टीट्यूशंस को और नई प्रक्रियाओं को, जिनमें आते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस नहीं किया था और ना ही जो नए फंक्शंस इमर्ज हुए, जैसे कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन या कम्युनिकेशन, ऐसे फंक्शंस को भी डिस्कस नहीं किया गया था। सो इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड द ओल्ड फंक्शनल अप्रोच काफी आउटडेटेड हो गई थी। दिस लेड द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक गैब्रियल ऑलमंड एप्टर एंड जेम्स कोलमैन to build a theory to explain the total functions and structures of a political system. तो क्योंकि old functional approach जो है वो outdated हो गई थी, जो modern political thinkers हैं जिनमें आते हैं Almond, Apter, Coleman, इन्होंने एक ऐसी theory build करी जो कि modern जमाने के हिसाब से total functions, सारे functions को और जो political system के structures हैं उनको explain कर सके। And Allman's approach is more significant to comparative politics. Comparative politics के perspective में सबसे important इनमें से approach है Allman की, और उसी को हम discuss करेंगे आगे चलकर। This approach was discussed by Allman and Coleman in their work The Politics of Developing Areas. The structural functional approach को discuss किया गया था Allman and Coleman द्वारा अपने work The Politics of Developing Areas में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1960 में फॉर द स्टडी ऑफ नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। इस अप्रोच को यूज किया गया था फॉर द स्टडी ऑफ नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। और एक और वर्क है दैट डील्स विद दिस अप्रोच और वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, जिनके ऑथर थे ऑलमंड एंड बिंगम पावर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से रिलेटेड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन बुक्स के बारे में पूछा जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच विच लुक्स एट पॉलिटिकल सिस्टम एज कोहेरेंट होल। तो सिस्टम थियोरी की तरह ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को एक होल मानती है, एक एंटिटी मानती है। तो सिस्टम अप्रोच में भी पॉलिटिकल सिस्टम को एक होल माना गया था, एक सिस्टम माना गया था जिसके काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं
और वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उसी इंटरैक्शन की स्टडी सिस्टम अप्रोच में की जाती थी। तो उसी प्रकार स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी पॉलिटिकल सिस्टम को एक होल मानती है, एक एंटिटी मानती है। दीज पॉलिटिकल सिस्टम्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट। सो जस्ट लाइक सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का भी यही मानना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और ना ही सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होता है बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस या प्रभावित करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस थियोरी इज दैट एवरी सिस्टम हैज सम स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म सम फंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सिस्टम इटसेल्फ। तो इस थियोरी का मेन प्रिंसिपल क्या है, मेन थीम क्या है, वो ये कि हर सिस्टम का या हर सिस्टम में स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि सिस्टम के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस थियोरी टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, एंड इसीलिए द अप्रोच रिवॉल्व्स अराउंड द ट्विन कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सो फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर जो है वो भी एक स्ट्रक्चर है, और उसका फंक्शन क्या होता है, लॉ मेकिंग करना। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन स्ट्रक्चर्स की और फंक्शंस की स्टडी करती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच में हम स्ट्रक्चर का और फंक्शन का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो अगर आपने मेरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लेक्चर सीरीज वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर्स आर दोज विच कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड अकॉर्डिंग टू ऑलमन स्ट्रक्चर्स हैव सर्टेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो स्ट्रक्चर्स ऐसे ढांचे होते हैं जिनसे पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ऑलमन ने स्ट्रक्चर्स के कुछ फीचर्स बताए हैं। फर्स्ट, देयर इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स यूनिवर्सल होते हैं, ये हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। सेकेंडली, इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी स्ट्रक्चर हैज क्लियर फंक्शन एंड दे डू नॉट ओवरलैप विद द अदर स्ट्रक्चर, हाउएवर सच इज नॉट द केस इन अंडर डेवलप्ड सिस्टम। तो ऑलमन के अनुसार जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां तो हर एक स्ट्रक्चर का क्लियर फंक्शन होता है, जिस स्ट्रक्चर का जो फंक्शन होता है वो उसको परफॉर्म करता है, और ये फंक्शंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। लेकिन उनका मानना है कि अंडर डेवलप्ड सिस्टम्स में ऐसा केस नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस आपस में ओवरलैप करें, एक सेम फंक्शन को अलग अलग स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करें। थर्डली, द स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ रोल्स। हर स्ट्रक्चर का एक रोल होता है और उसको वो परफॉर्म करना होता है। एंड फोर्थली, व्हेन अ फ्यू स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड अ सब सिस्टम और अ सिस्टम इज इमर्ज्ड। तो जब कुछ स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर दिया जाता है, एक सब सिस्टम या सिस्टम इमर्ज होता है। तो लेट्स से अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन स्ट्रक्चर्स को मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो एक सब सिस्टम या सिस्टम इमर्ज होगा और वो होगा पॉलिटिकल सिस्टम। फाइनली, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली मल्टीफंक्शनल इन कैरेक्टर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो मल्टीफंक्शनल भी होते हैं इन कैरेक्टर। एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू ऑलमंड। एंड व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसे फंक्शंस बोला जाता है। ऑल्सो इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, फंक्शन मीन्स पैटर्न ऑफ इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में फंक्शन का एक और मीनिंग भी होता है इस वाले मीनिंग के अलावा, और वो मीनिंग ये होता है कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस होती है या जो रिलेशनशिप होता है उसका पैटर्न क्या होता है, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे रिलेटेड है, किस पैटर्न से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या उनमें ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो उन्हें आपस में लिंक करती हैं,
इसको भी फंक्शन माना जाता है, इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच. फॉर ऑलमेंट एवरी पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म सर्टन फंक्शन. तो हर पॉलिटिकल सिस्टम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंड इन वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स दीज फंक्शंस मे बी परफॉर्म बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और इवन बाय नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में इन फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है? अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन्हें परफॉर्म करते हैं, या नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी परफॉर्म कर लेते हैं. नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में आते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जनता की डिमांड लॉ मेकर्स तक पहुंचाना इंटरेस्ट ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं, तो वो एक नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फंक्शन का एग्जाम्पल है. इस अप्रोच के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस हैं. द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट व्हाट बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन एनी गिवन सिस्टम. तो एक सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बाय व्हाट स्ट्रक्चर्स आर सच फंक्शंस परफॉर्म्ड, कौन से स्ट्रक्चर्स इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एंड अंडर व्हाट सिस्टम्स और कंडीशंस आर दीज फंक्शंस परफॉर्म्ड. कैसे सिस्टम्स में या कैसी कंडीशंस में इन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस अप्रोच में स्टडी किए जाते हैं. द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट ऑल सिस्टम्स हैव सम स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड. तो बेसिक अजम्पशन यही है इस अप्रोच का कि सभी सिस्टम्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको आइडेंटिफाई एंड स्टडी करने का काम ये अप्रोच करती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑलमंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ऑलमंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को समझने से पहले उनके पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को इसी पॉलिटिकल सिस्टम में अप्लाई किया गया है. सो अकॉर्डिंग टू ऑलमंड, पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दे मेंटेन एंड द फंक्शंस व्हिच दीज स्ट्रक्चर्स परफॉर्म. तो ऑलमंड के अनुसार पॉलिटिकल सिस्टम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं किस आधार पर, कि वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स मेंटेन करते हैं और वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ऑलमंड ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई किया है प्रिमिटिव, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल कल्चर एंड स्टेजेस ऑफ देयर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. तो पॉलिटिकल कल्चर के आधार पर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को इन चार टाइप्स में क्लासिफाई किया है. He further says that the developed countries have clear structure which perform definite functions, but less developed countries have less clarity regarding the functions, and functions end up getting performed by several structures. तो developed countries में क्या होता है कि there is a clarity, एक clarity होती है कि किस structure को क्या function perform करना है, उसको लेके कोई confusion नहीं होता है. एक particular structure एक definite function को perform करता है. लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें लेस क्लैरिटी होती है इन फंक्शंस को लेकर, और उससे क्या होता है, एक फंक्शन जो है उसको कई स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करने लग जाते हैं, और इसी आधार पर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन किया है इनटू प्रिमिटिव, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न. The interrelatedness between the structures keeps the political system in equilibrium or stability. क्योंकि structures आपस में interrelated हैं, different different structures are interrelated with each other, इससे political structure equilibrium में रहता है या stability में रहता है. For example, when something shifts in the structure, the other has to change or compensate to restore the equilibrium. तो अगर एक स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है तो दूसरे को भी बदलना पड़ेगा ताकि वो रिस्टोर कर सके उस इक्विलिब्रियम को. अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं तो लेट्स से कि लेजिस्लेचर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, जुडिशरी स्टेप अप करेगी कि वो इस तरीके से फंक्शन कर पाए कि
कि एक स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाए, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। जुडिशरी कोशिश करेगी कि ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर सके ताकि जो लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ऑलमेंट अप्लाइड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो पॉलिटिकल सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी के लिए ही ऑलमन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अप्लाई किया था, एंड इसीलिए हम ये पॉलिटिकल सिस्टम का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ऑलमन हैज थ्री एलिमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड बाउंड्रीज। ये तीन पॉइंट्स हम अपनी सिस्टम्स अप्रोच वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था व्हाट ऑलमन मींस बाय कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड बाउंड्रीज। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, एंड अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल सिस्टम्स बेसिकली परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नेमली द इनपुट फंक्शंस एंड द आउटपुट फंक्शंस। द पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ऑलमन परफॉर्म्स दो तरीके के फंक्शन, दो तरीके के फंक्शंस को पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म करता है, जिसमें आते हैं इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस। नॉट टू कंफ्यूज इट विद द इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन, ये फंक्शंस अलग हैं। सो ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या हैं? इसमें सात फंक्शंस आते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। इन सभी फंक्शंस को डिटेल में हम अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, एंड वील ऑल्सो डिस्कस इनमें से कौन से इनपुट फंक्शंस हैं और कौन से आउटपुट फंक्शंस हैं। तो इस वीडियो में तो हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को एक जनरल वे में डिस्कस किया था। अगली वीडियो में हम ऑलमन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।